जो कुछ पूछना करना हो सो पूछ लो। अगर चला तीन कपूर, ब्रह्मा कपूर, विष्णु कपूर, शंकर कपूर, वो हो गया त्रिपुरा है। और अगर कहते हैं जिसमें से खुशबू निकलती है अगरबत्ती है उसके तल है तो अच्छा है ना। और जो ब्रह्मा बाबा का तो रथ टेम्पोरे रथ का पार्मेंट नहीं था, इसलिए एक वार्तालाप में बोला है जी उसका अंदर से फ्यूसल हॉट टाइम नहीं रहता है, मुंडी चला करके चला जाती है। तो उसका अंदर जो माँ का पार्ट बजाया, संस्कृत का पार्ट बजाया, कौन बजाया? शिव बाबन। तो मुरली चला करके ऊपर में चला जाता तो किस उसी जो तो हॉट टाइम रहते थे ना उसका अंदर में, इसका अंदर से हॉट टाइम रहते थे ना। टेम्परेरी का मतलब है पूरे संगम युग में पार्ट नहीं चलता है क्या? आदि में भी पार्ट नहीं था ब्रह्मा के द्वारा, सन 36-37 से लेके 47 तक और 68 के बाद भी शरीर छूट गया, पार्ट खत्म हो गया। पूरे संगम युग में पार्ट नहीं होता है, इसलिए टेम्परेरी रथ है। लेकिन एक वार्तालाप में बताया जो मैंने इसका अंदर मुरली चला करके चला जाएगा, रहकर भी क्या कहाँ जाएगा? रहकर भी क्या करेगा वो? हाँ तो कहाँ जाएगा? बच्चों में जाके सेवा करेगा, स्कूल परमधाम, बच्चों में जाके सेवा कर। परिधाम परमधाम क्यों जाएगा? काम पूरा हो गया जो घर परमधाम चला जाएगा, बच्चों में जाकर के सेवा करता हूँ। हाँ क्या बाबा, जो आदि में जो गीता माता था, झूठी गीता सच्ची गीता, तो कौन गीता पहले शरीर छोड़ा? बाबा ने ये नहीं बताया कि कौन पहले शरीर छोड़ा, बाबा ने सिर्फ इतना बताया है कि जब पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना, तो दोनों माताओं के लिए बोल दिया। हाँ, बाकी ये तो दीदी दादियां जानती होंगी कि दोनों माताओं में से पहले शरीर किसने छोड़ा, बाद में किसने छोड़ा। और बाबा हाँ, आत्मा जो शरीर छोड़ दिया है? आत्मा शरीर छोड़ दिया है, कितना दिन बाद आत्मा जन्म माने ने तुरंत जाके पेट में प्रवेश कर जाती है? कितना दिन बाद आत्मा तुरंत शरीर छोड़ा और उसी सेकंड जाकर के प्रवेश कर जाएगी, संगे संगे साथ ही साथ। अच्छा, देर नहीं लगती है। हाँ, अकाले मौत शरीर छोड़ा है तो भटकेगी। बाबा बुतमा गे व्यवसाले उसकी को गंगा विहजन इलेकी था, मतलब भक्ति मार्ग में जो शरीर छोड़ता है ना, उसको जो राग होता है चलाने के बाद उसको डाली होता है ना, जो उसका गंगा में जाकर डाल देते हैं, इसलिए क्यों है? हाँ, क्योंकि यहाँ बाबा जब आते हैं तो जो सूर्यवंशी बच्चे होते हैं उनका देह अभिमान जला दिया जाता है, हाँ? देह अभिमान जलाने के बाद राख तो बचेगी, वो राख को भी गंगा माने ज्ञान गंगा में खलास कर दिया जाता है। ज्ञान गंगा अंत में प्रकट होगी कि नहीं होगी? हाँ, तो ज्ञान गंगा में वो राख भी नहीं रहेगी,
वो भी समंदर में चली जाएगी गंगा के साथ बहती बहती, कुछ नहीं बचेगा। और हड्डियां भी नहीं छोड़ते। तो ये भक्तिमार्ग जो गीता है, तो गीता पढ़ने के बाद जो मत पढ़ते हैं, तो मत क्यों पढ़ना? गीता में तो मंत्र ही तो है, गीता के जो श्लोक हैं वो महामंत्र हैं। भक्ति मार्ग में ऐसे समझते हैं, तो श्लोक नहीं पढ़ेंगे तो फिर अर्थ कैसे समझ में आएंगे, अर्थों अक्षरों के शब्दों के। और बाबा तो बोल दिया आपका बात क्या उसको पता दिया ना? बता दिया ना, अच्छा बाबा ये संगम युग में जे एई जे माने एई जन्म का इसला जन्म जे जुगल मेरा जुगल हाँ चले गया छोड़ दिया বঙ্গালী বাংলা বলো মানে যুগল ছেড়ে দিয়েছে যুগল তো শরীর ছেড়ে দিয়ে যায়, হ্যাঁ শরীর মানে ছেড়ে দিলে তারপরে একটা মানে যুগল সেই ছোড় দিয়া দোবারা মিলেগা কি নেই মিলেগা? পাঁচ হাজার সাল বই যুগল ফির মিলেগা পাঁচ হাজার সাল কে বাদ আমার এই সঙ্গম যুগ মে সঙ্গম যুগ মে গ্যারান্টি নেই পাঁচ হাজার সাল কে বাদ বই যুগল জরুর মিলেগা একুশ জন্মে সত্যতা একুশ জন্মে তো একই সত্যতা মিলে গেছে? নাই 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 মিলে গা না মানে যুগল এই যে সত্য যুগে যে যুগল ইহা কে কই যুগল বহা নেই হোগে সত্য যুগে নেই মিলে গা না যুগল যা সত্য যুগের যুগল কে ইহা কি কই চিজ বহা यहाँ की जुगल तो क्या कोई चीज वहां नहीं मिलेगी, वहां सब कुछ नया होगा। नया तो ठीक है, तुम्हारा पुरुषार्थ अलग, जुगल का पुरुषार्थ अलग। जुगल ज्ञान में चलता था? नहीं, नहीं चलता। तुम एडवांस में आ गई, वो ज्ञान में एडवांस में आया? नहीं, जुगल छूट गया। फिर उसका बस हिसाब किताब खत्म। अब 5000 साल के बाद यही जुगल मिलेगा? যুগল ছুট দিয়া এই সত্যতে তো এক যুগল মিলেগা সত্যতে এই যুগল কি একুশ জন্মে গিয়ে মিলেগা? একুশ জন্ম কে লিয়ে একই যুগল একুশ জন্ম একুশ জন্ম তক ওই যুগল মিলেগা যে সত্যযুগ ত্রেতা মে একবার মিলেগা তারপর সে আলাদা আলোক আলোক হ্যাঁ দ্বাপর সে আলাদা আলাদা হয়ে যায়। হ্যাঁ बाबा माता जी ने बताया कोलकाता से फोन आया जो 18 साल के बाद शिव बाप परम धाम में चले जाएंगे। 18 साल के बाद? 18 साल के बाद 2018 के बाद परम धाम चले जाएंगे? बातचाला पे बोलेगा। क्यों बोला? वो उसको फोन करके उसको आग लगकर जब पूरी होगी तब यहाँ क्या करेंगे, फिर चले जाएंगे। अभी आग लगकर पूरी हो गई क्या? नहीं। है दूसरी बात, झाड़ के चित्र में ऊपर शंकर बैठा हुआ दिखाया है? है झाड़ के चित्र में शंकर बैठा है ऊपर, आत्माएं जा रही हैं साथ में है? हाँ तो शंकर अकेला जाएगा या शिव बाबा के साथ जाएगा? शिव बाबा के साथ जाएगा। शिव बाबा के साथ जाएगा ना, तो शंकर जो है वो लास्ट में जाएगा या पहले जावेगा? तो फिर तो शिव बाबा भी लास्ट तक रहेगा ना इस सृष्टि पर?
आग लगकर जब पूरी होगी तब यहाँ के आ गया हूँ, जब चले जाएंगे। शिव बाबा तो जाएगा, हमारा जो सब आत्मा आत्मा के माने ये संगी चले जाएगा ना, एक संगी नहीं जाएंगे। और आत्माएं तो पहले ही शरीर छोड़ छोड़ करके जाने लगेंगी, लेकिन वो सूक्ष्म बतन में इकट्ठी होंगी, सूक्ष्म शरीर, क्योंकि अकाली मौत से मरेंगी। अकाली मौत से मरने वालों का सूक्ष्म शरीर बनेगा, वो सूक्ष्म दुनिया में मंडराती रहेंगी। लास्ट जब सारी दुनिया का विनाश होगा, जैसे दीपावली आती है ना, तो फटाफट 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 फोड़ते रहते हैं, और लास्ट में सारे एकदम फोड़ देते हैं। तो ऐसे ही कभी एक शहर में बम फटेगा, कभी दूसरे शहर में बम फटेगा, ऐसे फटते रहेंगे फटाफट, और लास्ट में 5-7 रोज में सारे बम फट जाएंगे, फिर सब आत्माएं ऊपर जाएंगी, तो बापू भी जाएगा। अष्टदीप में जो है, अष्टदीप जो है ना, तो पहले बार बापो का बाप, तो पहले बार जैसे गौतम बुद्ध उसका बाप था शुद्धोधन, तो उसका बाप है बिंदुसार, तो शुद्धोधन तो बाबा बीज है, तो उसका बाप जो अष्टदीप होगा शुद्धोधन बीज है, तो उसका जो बाप होगा वो तो वो अष्टदीप में होगा ना, प्रजापिता का आत्मा का बाप। जो शुद्धोधन है वो बौद्ध धर्म का बीज है। अब शुद्धोधन का भी जो बाप है वो है जहाँ से हाँ सब बिंदुओं का सार, तो बापों का बाप हुई प्रजापिता हो गया। अष्टदीप जो पूर्व जन्म क्यों बोलते हैं, पूर्व अष्टदीप क्यों बोलते हैं, किसके इसलिए कि वो सबसे पहले वो ही है। तो कौन है अष्टदेव? नहीं नहीं, किस 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 युग में पार है इसका? सूर्यवंशी नहीं, वो तो बिंदुसार तो हो गया ना प्रजापिता, तो अष्टदीप जो है वो किस का पार्ट है? बिंदुसार का मतलब जो बौद्ध धर्म के बीज है उनका बिंदु, उन बिंदुओं का सार, उसका वो हो गया अष्टदीप, प्रजापिता। प्रजापिता हाँ, अच्छा उसका बौद्ध धर्म का भी कोई प्रजापिता होगा? अच्छा हाँ। बापों का बाप तो बापों का बाप तो प्रजापिता हो गया, ये सूर्यवंशी प्रजा का पिता है, वो सबका बाप हो गया, उसका बाप कोई नहीं। बौद्धियों का भी तो कोई बाप है, वो बाप है बिंदुसार। हाँ बाबा, सत्य पिता के आधार पर दापर कलियुग में भी पद मिलता है, ठीक है? तो फर्स्ट नारायण, सेकंड नारायण, थर्ड नारायण, फोर्थ नारायण, तो नारायण जो है बुद्धि से सीट मिल रहा है, तो बोला जो रुद्रमला का आधार राजा महाराजा मिल रहा है, लेकिन वहाँ तो पद तो मिल रहा है दापर कलियुग में, राजा महाराजा नहीं बनते क्या? द्वापर में महाराजाएं बनेंगे, लेकिन कलयुग में सब राजाएं रहते हैं, महाराजाएं कोई नहीं रहता। कलयुग में सतयुग में महाराजाएं होते हैं, त्रेता में राजाएं होते हैं, वहाँ महाराजाएं नहीं होते। द्वापर युग में कैसे बाबा, जो जैसे फर्स्ट नारायण, सेकंड नारायण, थर्ड नारायण, द्वापर कलयुग में कोई राजा बनते नहीं? क्यों नहीं बनेंगे, राजाएं राजाएं बनेंगे। लेकिन तो वस्तु में 108 का बीज बार बनना है, वो नारायण वाली आत्मा है। हाँ, तो कैसे आधार मूर्त है वो,
कैसे राजा बन गए? जैसे सत्युग में राजाएं बने थे, राजा सत्युग में जिनको राजाएं मिलती है उनको द्वापर कलयुग में भी वैसे ही मिलती है। वो एक एक जन्म पुरुषार्थ करते हैं, एक जन्म में प्राप्ति करते हैं। एक जन्म के लिए हर जन्म में पुरुषार्थ करना, अगले जन्म में प्राप्ति करना। इन लोगों को अभी वापस जाना है क्या? नहीं वापस है, यही रहेंगे। हाँ ठीक है, हाँ बोलो। हाँ बीएससी में कितने साल चले? पाँच साल चले। पाँच साल रेगुलर चल रहे तो तुम बहुत होशियार हो जाना चाहिए। रेगुलर स्टूडेंट था बीएससी का, हैं? रिक्शा चलाते हैं। अच्छा अच्छा, है इसका नाम था। जब आ गया, जब गुस्सा में आ गया, तब इसको बोलने लगा इसका अंदर इतना ज्ञान नहीं है, कमजोर आत्मा, इसीलिए यहाँ से छोड़ के चला गया। ऐसे बोला? ऐसे वैसे अभी तो चलना, पहले पहले समाज पे अलर्ट करता था, देखो एक रिक्शा वाला भाई है कितना बुरी गया, हर दिन बाबा क्लास करते। जब एडवांस में आ गया तो कच्चा हो गया, इसको जाने दो। जो जो दारा कमजोर आत्मा है, दोबारा माउंट आबू में भर्ती की, दोबारा माउंट आबू अच्छा एडवांस में भी है। अच्छा अच्छा बाबा, त्रिपुरा तो मैंने लास्ट जाग जे, त्रिपुरा तो लास्ट में जाग रहा है। जाग रहा है, है। क्यों? अभी इम्फाल पड़ा हुआ है और वो मणिपुर पड़ा हुआ है, नागालैंड पड़ा हुआ है, और ये क्या नाम है, मेघालय पड़ा हुआ है, और ये क्या कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश पड़ा हुआ है। ये लास्ट कहाँ है? लास्ट तो लास्ट लास्ट कहाँ है? अभी तो और भी पड़े हुए हैं, वहाँ से भी निकलेंगे। अच्छा, तो बेसिक तो माने फास्ट माने जाग रहा है। हाँ बेसिक तो सो रहा है, जाग कहाँ रहा है? है फास्ट तो माने भर्ती करना है। हमारा त्रिपुरा मैंने बहुत मैंने बेसिक मतन अच्छा हुआ, मैंने आदमी बाबा का ज्ञान एडवांस में आया सबाई, मैंने कब हो मैंने समझ लिया। माता जी बोल रहे हम लोग एडवांस में पहली आया तो जैसे बीके वाला पुराना बहुत हो गया ना, वो लोग बहुत मानसा लेते वाला, हम लोग भी पुराना हो जाएगा लास्ट में। ऐसे ही बोल रहे हैं, सही बात है। हम भी तमो प्रधान बनेंगे, अभी एडवांस में सतो प्रधान स्टेज है, लास्ट में जाके तमो प्रधान बनेंगे। चार अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है ना। बाबा यहाँ बेसिक तो बहुत है, बहुत बड़ा बड़ा पांच छह सेंटर है, लेकिन इतना वो लोग ये करके रखा है, 10-12 लाख मैंने इतना वो लोग को जो भैनजी है यहाँ का इंचार्ज, इतना बोल करके रखा है, बोले भैनजी जो बनेंगे हम मानेंगे। जो जिस धर्म का होगा उसी की बात मानेगा ना, कुमारका दादी के धर्म का होगा तो कुमारका दादी की बात मानेगा, तुम्हारी बात मानेगा, कुमारका दादी की बात मानेगा, या ज्ञान सूर्य की बात मानेगा, नहीं या ब्रह्मा ज्ञान चंद्रमा की बात मानेगा। जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा। अभी क्या है इसके साथ बात नहीं करते हैं, चंद्रपाठी है चुपचाप साइलेंट हो गए हैं। और जो क्या है अभी जो इसीलिए क्या है, तुरंत जिसे स्थापित था एक दो आ गया, तुरंत लोग क्या किया मेगा प्रोग्राम चालू कर दिया, और जो मेगा प्रोग्राम चालू हो गया और कोई भी गति नहीं सुन रहा है, पहले देखो हम लोग कितना बड़ा स्थापित कर रहे हैं, तुम जो सर्विस कर रहे हो वो प्रजा बनाने की सर्विस कर रहे हो या राजा बनाने की सर्विस कर रहे हो? उनसे पूछो, आएंगे मेगा प्रोग्राम में सुनेंगे और भाग जाएंगे। मेगा प्रोग्राम में शिव बाबा का नाम उसमें छपाया ना, इसमें क्या है शिव बाबा का नाम नहीं है, भाई बहनों का दीदी दादी का इतना मेहनत से
इतना बड़ा संगठन खड़ा कर रहे हैं। तो शिव बाबा का नाम नहीं है। हाँ, तो जिनको दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होना है वो दूसरे धर्म में जाकर के दुनिया की जनसंख्या बढ़ाएंगे या घटाएंगे? बढ़ाएंगे। तो वो जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। बेसिक का जो लोग है ना हमारे साथ में बात नहीं कर पाएंगे। अब वो जान गए ना, इसकी बुद्धि में सारा ज्ञान बैठ गया, इससे बात करना हमारा नाक नीची हो जाएगी। ये ज्ञान में हो गया तीखा, अंदर से समझते हैं इनको भगवान पढ़ाने लगे, इसलिए दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए ये सब टंटा घंटा कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम करने के। सब मंत्री लेवल में को सब बुला के ला रहा है, इसके ला रहा है सब। भगवान का हाथ छोड़ कर के दुनिया वाले लोग के हाथ पकड़ लिया। ओम शांति।
ज्वाला रूप पुरुषार्थ करो। क्या? अग्नि की ज्वाला तीव्र करो। क्यों? क्योंकि अब अंतिम समय है। अंतिम समय में अगर तीव्र ज्वाला नहीं हुई तो सोना पिघलेगा? नहीं पिघलेगा। जब पिघलेगा नहीं तो खाद अलग होगी? नहीं होगी। जन्म जन्मांतर की खाद अलग करने के लिए ये जरूरी है कि अग्नि तेज की जाए। तीव्र अग्नि माने अव्यभिचारी याद। बाबा 2012 में प्रकृति के जो मौसम है उनमें परिवर्तन देखने में आ रहा है, खास उत्तर भारत में। हाँ। तो इसका बेहद मैंने क्या अर्थ किया? क्योंकि उत्तर भारत में ही यादगार बनी हुई है। गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का मेल कहाँ होता है? अलाहाबाद में होता है। तो परिवर्तन तो जरूर शुरू होगा। वैज्ञानिक ये कहते हैं कि अगले 11 वर्षों तक कैसा होता रहेगा? ठीक है, हो सकता है 11 वर्षों तक ये एकदम चलता रहेगा। उनको तो ये पता नहीं है कि 2036 तक भी परिवर्तन होता रहेगा, और परिवर्तन की गति वर्ष वर्ष और जास्ती तीव्र होती जाएगी कि धीमी होगी? और ज्यादा तीव्र गति होती जाएगी। हवा अभी जो खंड पॉइंट बनाते हैं, खंड पॉइंट वो कई तो बड़े बड़े लंबे होते हैं, बीच सुनाते ना भूल जाते हैं। कोई जरूरी है कि लंबे ही सुनाना है? जो छोटे हैं, तीखे हैं, शार्प हैं, उनको याद कर लो। सीरियल वाइज सुनाना है। लंबे पॉइंट में भी देखना है उसमें बहुत काम का वाक्य कौन सा है, वो याद कर लो। पॉइंट शार्प होना चाहिए और शार्ट होना चाहिए। हाँ जी, बड़े वाले बड़े आते हैं वो से छोड़। कोई बात नहीं, सारी मुरली पढ़ करके सुनाना कोई जरूरी है? बाबा असुरों ने जो वरदान लिए हैं वो किस आधार से लिए हैं? तपस्या के आधार से। असुरों की तपस्या यथार्थ तपस्या कहेंगे या स्वार्थपूर्ण तपस्या कहेंगे? अपने रथ के लिए जो मांगा जाता है, अपने रथ की सुख सुविधा के लिए, उसको स्वार्थ कहा जाता है। उनकी तपस्या को हम क्या कहेंगे? उनकी तपस्या देखा जाए कि वो रथ की प्राप्ति के लिए तपस्या करते हैं या सारे संसार के कल्याण के लिए तपस्या करते हैं। रथ के स्वार्थ के लिए उनके वरदान होते हैं। बाबा ने कहा है कि आदि से ज्यादा बीमारियां ऐसी हैं जो डॉक्टरों की समझ में नहीं आती है, और वो औलियों के द्वारा भी ठीक होनी होती है। ठीक है, तो ये औलिये जो है इनको हम श्रेष्ठ आत्मा गिनेंगे या भ्रष्ट आत्मा गिनेंगे? अभी जो दुनिया में अकाले मौत बढ़ रही है या घट रही है? जो अकाले मौत बढ़ रही है और अकाले में तो जिनकी होती है, और जो अकाले मौत कराने के निमित्त बनते हैं, वो पाप आत्माएं होती हैं या पुण्य आत्माएं होती हैं? पाप आत्माएं होती हैं। बाबा के बच्चों को तो उनके ऊपर विश्वास भी नहीं है। हैं? बाबा के बच्चे तो उनके ऊपर विश्वास रखेंगे नहीं, औलियों के ऊपर। हाँ, औलियों में भी एक जैसे औलिया होते हैं कि नंबरवार होते हैं?
कोई तो अवलिया ऐसे होते हैं एक पैसा भी नहीं लेते हैं और यही धंधा करते हैं। कोई वैद्य ऐसे होते हैं बहुत पैसा कमाते हैं, उनके पास गरीब लोग तो जा ही नहीं सकते। बाबा हाँ हमको भाई लोग आएंगे तो यहाँ पर रह सकते हैं है? शाम को शनिवार आइए यहाँ पर। कौन आ सकते हैं? शाम को आ सकते हैं ना भाई लोग। भाई लोग रविवार का क्लास करने के लिए। हाँ रविवार को क्लास करने के लिए, अगर रविवार का क्लास आपने 9-10 बजे शुरू कर रखा है, सवेरे को जल्दी नहीं आ सकते हैं या कोई ट्रेन नहीं आती है तो रात को आना ही पड़ेगा। बाबा के बच्चे नहीं है क्या? चलन खराब है क्या? आने वाले दूसरों को दुख देते हैं क्या? है अच्छे बच्चे हैं तो उनको परमिशन क्यों नहीं देनी है? है अरे बाबा के घर में तो जगन्नाथ भंडारा ही है ना, कौन 36 प्रकार के भोजन बना करके खिलाने हैं? हम खिचड़ी भी नहीं दे सकते खाने के लिए भी आप है? खाना घर से भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ये तो अच्छी बात नहीं ना, ऐसी कोई बात आपके घर है बाप। हाँ पहले से बता के आओ ताकि यहाँ पहले से प्रबंध करके रखें, बासी न खाना पड़े। फोन कर दिया। बैठे रहते हैं तो क्या करते हैं? आंसू निकलते रहते हैं, क्या सेटिंग? उसके इलाज कराओ डॉक्टरों से। हैं? हाँ हाँ तो आंखों में कोई कमजोरी है ना? नहीं नहीं है बाबा, याद में रोते हैं, है भगवान की याद में रोते हैं। प्रेम के आंसू? प्रेम के आंसू नहीं, हमारा मौजों का युग है, रोने का युग नहीं है। हाँ खुशी में आंसू रोज रोज नहीं निकलते हैं, वो तो कभी कभी निकलते हैं। जब कभी कभी निकलते हैं, वो तो रोज की बात कर रहे हैं। कोई बाबा मुरली में आपका पॉइंट बोल देते हैं, मुरली में उससे भी आंसू आ जाते हैं। हाँ रोज रोज आंसू निकलते रहे तो ये तो संगम युग सारा रोने का युग हो गया ना। बाबा अंदर से खुशी निकलती है, बाबा नहीं आया होता तो हमारे साथ क्या होता? कभी कभी निकलते हैं ऐसे नहीं। आँखों का इलाज कराओ। खुशी को भी गुप्त रखना है या प्रत्यक्ष करना है? गुप्त रखना है। चेहरे से खुशी भी मिल जाती है? हाँ चेहरे से खुशी आंसू आएंगे। चेहरे से तो कोई रो रहा हो तो उसको कहेगा कोई कि ये इसको खुशी है? और भाइयों के लिए तो बोल दिया कि रात के लिए रुकने के लिए, बहनों माता के लिए बोल दिया बहनों। बहने अपन को देखें कि हम कहाँ तक बांधे ली है, कहाँ तक छूटे ली है। माता के लिए बोल दिया। बाबा मेरे को कोई रखने के लिए मना नहीं करता, घर का है तो मैं रह सकती हूँ रात के लिए। आप एक तरफ ये कहते जा रहे हैं कि मैं घर वालों की कोई बात नहीं मानती। बाबा नहीं सांस की नहीं मानती, बुजुर्ग की मानती। मैं घर वाले बच्चों को एक पैसा नहीं दे सकती। नहीं बाप क्यों, ऐसे तंत्र के पास जाएंगे हैं? कैसे पैसा दूंगा मैं? हैं? तो वो जादू टोना लोगों के पास जाएंगे। हाँ तो कैसे पैसा दूं? जादू टोना ऐसे होते ओलियों के पास जाने के लिए। हाँ जी तो देखना है ना। बाबा ये जो बाघ वट चिकित्सा है उन्होंने बताया ना, बाघ वट में मिट्टी के बर्तनों में खाओ, फ्रिज नहीं यूज करो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आप करके देख लो ना, दुनिया की हालत देख लो ना, कि पुराने जमाने में मिट्टी के बर्तनों में पकाते थे खाना, तब ज्यादा बीमारियां आती थी।
क्या वो कुकर में बना रहे हैं खा रहे हैं, एल्युमिनियम में बना रहे हैं खा रहे हैं, तब ज्यादा बीमारियां आ रही है। तो चेंज कर लो, मेहनत दो रोटी खाने के लिए भी मेहनत नहीं करेंगे तो इसका मतलब काहे के लिए मेहनत कर रहे हैं? मुख के लिए मेहनत नहीं करेंगे, पेट के लिए मेहनत नहीं करेंगे, कौन सी इंद्रियों के लिए मेहनत ज्यादा करेंगे? फिर 24 घंटे कहाँ जाएंगे आपके? हाँ हाँ, बागवट ने ही बताया, हाँ बागवट ने ये बताया कि मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाना अच्छा है, क्योंकि उसमें सूर्य की रोशनी और हवा ज्यादा मिलती है। तो अगर उसमें ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा ईंधन खर्च होता है, तो अच्छी बात है या खराब बात है? फिर क्या बात है? उसके साथ खान के अंदर बता रहे हैं पानी उसी बर्तन में पीना, आधे घंटे के बाद पीना, सारी बात। तो खराब बात क्या बताइए? हाँ संस्कारी के पहले अब खाते हैं, संस्कारी के पहले अब खाते हैं मिट्टी के बर्तन में, दाल बनती थी, दूध भी निकालते थे, दही निकालते थे, अभी कौन बनाएंगे जहाँ खाता हुई अभी? तो अभी जो टाइम देते हैं वो किस बात के लिए टाइम ज्यादा देना चाहते हैं? जायके के लिए, ताकत के लिए, बीजे बाबा। भगवान ने कहा है कि संयोग युग में ज्यादा से ज्यादा 3 जन्म हो सकते हैं। हाँ जी, तो 3 जन्म कैसे गिनेंगे हम? कोई कोई के सबके नहीं, उसमें लौकिक जन्म और अलौकिक जन्म दोनों जोड़ के संगम युग माना ही अलौकिक जन्म, ज्ञान में आने का जन्म। ज्ञान में ही नहीं आए तो लौकिक हुआ ना। हाँ बाबा, ये कोई कहती मैंने बाबा से पूछा। हाँ बाबा, गाल ऊपर क्यों जाते हैं? बाबा गाल ऊपर क्यों जाते हैं? गाल ऊपर क्यों जाते हैं? भगवान ऊपर क्यों जाते हैं? भगवान ऊपर क्यों जाते हैं? ऊपर कहाँ जाते हैं? वो तो नीचे आते हैं तो अपना काम पूरा करके जाते हैं, ऊपर तो जाते ही नहीं। बाबा जो एडवांस ज्ञान में आ गए हैं और वो इसी शरीर के द्वारा ही अगला अपना शरीर छोड़ेंगे, इसी में ही पूरा जब विनाश होगा। इसी शरीर के द्वारा अपना शरीर छोड़ेंगे? क्या दूसरे के शरीर के द्वारा शरीर छोड़ा जाता है? मतलब बीच में अगर हम छोड़ नहीं सकते अब, अब हमें लगता है कि हमारी उम्र इतनी है ही है। हाँ ऐसे आता है, संकल्प आता है। जैसे 2036 में बताया ना विनाश, तो हम तो इतनी उम्र तक 70 साल तक तो अब होना ही होना है। हाँ। तो इसी शरीर द्वारा ही छोड़ना है ये। माने ये बाकी बेकारी शरीर बना रहेगा? नहीं नहीं, शरीर छोड़ देंगे फिर सतयुग में। सतयुग में अंत का सीन देखेंगे, मतलब जो भी होगा। ये शरीर जिस शरीर से भगवान मिला है वो शरीर छूटना अच्छा है या वो शरीर रिजुविनेट होना अच्छा है? वही चाहते हैं। हाँ वही चाहते हैं। होगा ना पक्का? आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों का खिवैया एक बाप है। आत्मा तो चैतन्य है लेकिन शरीर तो जड़ है, जड़ शरीर को अभी खिवैया आया हुआ है जो विषय वैतरणी नदी से पार ले जावेगा, विषय सागर से पार क्षीर सागर में ले जावेगा, शरीर को भी पार ले जावेगा, आत्मा को भी पार ले जावेगा। ये ऐसा धोबी आया हुआ है, कैसा धोबी? जो शरीर रूपी वस्त्र को पावन बनाकर जाएगा। ऐसा धोबी नहीं है जैसे बीके कहते हैं
कि हमारा कपड़ा यही फटफुटा के अलग हो जाएगा, फाड़ देगा। मैं देख गाता हूँ, मुझे पूछता है दादा मरना है, मैं तुम्हें मरना, मैं 150 साल की उम्र है हमारी, तो मर नहीं सकता, मैं तुम्हें मरते देखना, तुम्हारे बाल बचे तो नहीं मरे, बिल्कुल शुभ संकल्प करना है, मरने वाला सवाल है, मरने का कोई सवाल नहीं, बिल्कुल अपने यहाँ से खाकर बनाता हूँ मैं, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं, खाना अपने मर्जी है। बाबा हम मोहल्ले वालों को ज्ञान बहुत सुनाते हैं और सुनते भी हैं बड़े प्यार से, बैठ के 15-20 लोग हैं जिनको सुनाती हूँ, मगर आने के लिए कोई नहीं बोलता इधर, कोई बात नहीं, जब उनको कोई पॉइंट लग जाएगा तो आने लगेंगे, सुन लेते हैं बड़ी अच्छी तरह से, उनको सुनना अच्छा लगता है, आप सुनाते रहिए। और बाबा भक्ति मार्ग में जब भगवान वरदान देते हैं ना, भक्ति में वरदान तो कहते तथास्तु, कौन वरदान देते हैं भक्ति मार्ग में, जब भगवान को वरदान देते हैं भक्ति मार्ग में, भगवान आता भी है कि वरदान ही देता है, ऐसे टीवी में देते हैं, है टीवी में देता है भगवान, टीवी में देते हैं सीरियल ओम नमः शिवाय में, हाँ हाँ, जहाँ भी आप देखते हैं तो बुद्धि से समझते हैं कि ये टीवी में हो या कहीं भी हो, सीरियल में हो, तो भगवान तो आता ही नहीं है भक्ति मार्ग में, है संगम की यादगार है, तो कहते हैं तथास्तु, है वरदान देके कहते हैं तथास्तु, तथास्तु जैसा तुम मांगते हो वैसा ही हो। बोले शंकर बाबा, आजकल ना निर्मल बाबा को बहुत देखते हैं, वो बहुत आशीर्वाद करता है, पता नहीं काला बैग लो क्या क्या लो, उसके लिए लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं, संगम युग में बाबा उसकी शूटिंग कैसे इकाई की, तथास्तु की, अरे यहाँ अपनी अपनी इच्छाएं हैं या नहीं है, जगदम्बा सर्व मनोकामनाएं पूरी करती है, तो मनोकामना करने वाले कामना करते हैं ना, तो जगदम्बा तथास्तु, जैसी तुम्हारी कामना, तथा माने वैसा ही, जैसी तुम्हारी कामना है वैसी पूर्ति हो जाए, तो वो तथास्तु का अर्थ है। और हम 84 आए थे ज्ञान में, है 84 में आए थे, माता वैष्णो के गए नहीं अभी, ना मंदिर गए ना किसी के पास, है जहाँ जहाँ आते हैं वहाँ एक वापसी जिसी भी आना सीधे चले जाए, मैं हार वो जाता था मालूम, मंदिर में भी तो माता वैष्णो हर महीने जाते थे, तो कई साल गए हूँ, एक दिन छोटे मुझे मगर पड़ते हैं, तो आते क्यों नहीं है, हाँ? मैं बाबा है कभी हमारे पास माता हमने आई है जहाँ कहा है, अभी माता पिता हमारे पास है जहाँ मिलेंगे वहाँ वहाँ क्या मिलेगा, हमें जाना कम लीजिए, मैं नहीं जाता ना, प्रसाद खाता हूँ जैसे प्रसाद में बताने के लिए प्रसाद समझते नहीं आपको, कृष्णा में दिखाया है, कृष्णा सीरियल में दिखाया है कि प्रद्युम्न के अपहरण होने के बाद सब दुखी हो गए, तो बलराम ने क्रोध में आकर के नदियों के जल को रोक दिया, इसका बेहद में क्या मतलब है, कृष्णा में जो कृष्ण लीला दिखाई है वो लीला कृष्ण की है या शिव बाबा की है, हैं? शिव बाबा की लीला है, शतुकी कृष्ण की लीला नहीं है, अथवा कृष्ण के अंतिम जन्म ब्रह्मा की लीला भी नहीं है, वो कृष्णा सीरियल में कृष्णा का नाम जरूर दिया है लेकिन लीला सारी किसकी है, शिव बाबा की है, शिव बाबा की लीला है, तो शिव बाबा किसके मुकर्रर रथ से लीला करते हैं,
किशन के मुकर रथ से लीला करते हैं, राम वाली आत्मा के तन से लीला करते हैं। तो जिसके तन द्वारा लीला करते हैं वो हो गया संगमयुगी कृष्ण, या कहें शिवशंकर भोलेनाथ। राम वाली आत्मा का शरीर है, फिर बलराम किसको कहें है? बलराम का अर्थ क्या है? राम का बल। जब बाप बुजुर्ग हो जाता है तो बाप का बच्चा ही बाप का बल होता है। संगम युग में जो शिव बाबा है, संगमयुगी नारायण है या संगमयुगी कृष्ण है या प्रजापिता है, वो एक ही व्यक्तित्व की तरफ इशारा है या अलग अलग है? एक ही व्यक्तित्व है। रामायण में उनको राम के रूप में दिखाई दिया है, रामायण में उनको राम भगवान कह दिया है। और उनका साथी कौन है जंगल में? लक्ष्मण साथी दिखाया गया है। कहते हैं वो लक्ष्मण भी शेषनाग का अवतार है। किसका अवतार? कितने फण वाला है? फण सात फण दिखाते हैं। वास्तव में जो ब्रह्मा की सोल है वो ही सतयुग में फर्स्ट नारायण बनेगी, और उनके कुल को चलाने वाले कितने नारायण होंगे? सात नारायण। संगम युग में वही उनकी रक्षा करते हैं, उनको बलराम कहा जाता है। तो कृष्ण की आत्मा, कृष्ण उर्फ ब्रह्मा की आत्मा बलराम का पार्ट बजाने वाली है। राम वाली आत्मा योगी है या कृष्ण वाली आत्मा योगी है? राम वाली आत्मा योगी है, कृष्ण वाली आत्मा अपन को भगवान समझती है साकार में या नहीं समझती है? अपन को भगवान समझती है। भगवान समझने के कारण बुद्धि में बैठा हुआ है कि मेरे संग के रंग के कारण दुनिया पतित से पावन बनती है, इसलिए बलराम को हल दिखाया गया है, शस्त्र। जो हल है वो क्या काम करता है? है धरणी को चीरता है। ज्ञान मार्ग में कन्याएं माताएं ही धरणी हैं, उनको धरणी कहो नदियां कहो, वो नदियां बहती हैं ज्ञान जल से। नदियों के बहने के कारण जमीन हरी भरी रहती है। शास्त्रों में दिखाया है कि जब बलराम अपना शस्त्र चलाते हैं हल,
तो नदियों का जल रुक जाता है। सब जानते हैं कि ब्राह्मण जीवन में जब भिखारी प्रवृत्ति बढ़ती है काम विकार की, तो मन बुद्धि में ज्ञान जल चलता है या रुक जाता है? रुक जाता है, यही अर्थ है। प्रद्युम्न के खो जाने पर बलराम को क्रोध आता है और वो नदियों में हल का प्रयोग कर देते हैं, जिससे नदियों का जल रुक जाता है। नदियों का जल रुकने से अकाल बढ़ेगा या घटेगा? अकाल माने ज्ञान जल की एक बूंद भी नहीं मिलेगी, अर्थात नदियों की मन बुद्धि में मनन चिंतन मंथन नहीं चलता है। न चलने के कारण अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है। विजय माला का आह्वान करने की विधि क्या है? ब्रह्मा बाबा का आह्वान कैसे करते हैं? करते हैं या नहीं करते हैं? ऐसे ही विजय माला का आह्वान करना है। विजय माला तो 108 मणकों की माला है, वो शहद की मक्खियों की माला है, छोटी शहद की मक्खियों की माला है या बड़ी शहद की मक्खियों की माला है? छोटी शहद की मक्खियां जो शहद देती हैं, उनसे दिव्य दृष्टि बनती है कि अंधे बनते हैं? दिव्य दृष्टि बनती है, लेकिन उन मक्खियों की माला को आवाहन करने के लिए रानी मक्खी को आवाहन किया जाता है या सारी मक्खियों का आवाहन किया जाता है? रानी मक्खी का आवाहन किया तो दूसरी मक्खियां पीछे पीछे स्वतः ही आ जाएंगी। ऐसे ही है बाबा, रुद्रवाला के मन के प्लानिंग पार्टी है, प्रैक्टिकल पार्टी तो विजय माला से आएगी। क्या रुद्रवाला के मन के त्रिदे हाथ पे हाथ धरे रहते जब तक प्रैक्टिकल पार्टी नहीं आती? प्लान करते रहते हैं पर प्रैक्टिकल में नहीं। कोई में धारणा के जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं, कोई में ज्ञान को समझने और समझाने के संस्कार हैं, कोई आत्माओं में ज्ञान सुनने और सुनाने के संस्कार हैं। तो जिसमें जो गुण हैं, उन गुणों को काम में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? जैसे आज मुरली में बोला, कोई में ज्ञान की धारणा नहीं होती है तो कर्मणा सेवा और वाचा सेवा कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं? कर्मणा सेवा के भी 100 नंबर होते हैं और वाचा सेवा के भी 100 नंबर होते हैं। अगर कोई धारणा नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, समय ही तो देना है सेवा में, समय ज्यादा देंगे तो उजूरा ज्यादा मिलेगा। हाँ, ये जरूर है कि धारणा शिव बाबा नहीं देखते हैं,
शिव बाबा धारणा देखते हैं या पतितपना देखते हैं? धारणावान देखा जाए तो आज की दुनिया में सन्यासी ज्यादा धारणावान है या गृहस्थी ज्यादा धारणावान है? सन्यासी ज्यादा धारणावान देखने में आते हैं, लेकिन सन्यासियों को शिव बाबा नहीं पकड़ते। ऐसे यहां भी है, जो रुद्रमाला की मणके हैं वो ज्ञान की बातों में रस लेने वाले हैं, ज्ञान शिव बाबा से आता है। तो शिव बाबा से जो आप मिलने वाली चीज है उसकी कदर जो करते हैं वो समझो शिव बाबा की कदर करते हैं। और जो आत्माएं शिव बाबा के ज्ञान की कदर नहीं करती, लेकिन ब्रह्मा बाबा जो अव्यक्त वाणियों में धारणा की बातें सुनाते हैं उन धारणा की बातों की ज्यादा कदर करती है। तो कौन सी आत्माएं ज्यादा श्रेष्ठ हैं? शिव बाबा कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा मुझे जास्ती पसंद है, जास्ती प्रिय है। ऐसे नहीं कहा धारणावान मेरे को जास्ती पसंद है, सन्यासी जास्ती पसंद है। बेसिक में जो सरेंडर्ड हैंड्स हैं वो सन्यासी हैं या गृहस्थी हैं? सन्यासी हैं। शिव बाबा को वो उतने पसंद नहीं है जितने घर ग्रस्त में रहने वाले ज्ञानी तू आत्मा पसंद है। तो हम जीत गए, हमें तो ज्ञान बहुत ही अच्छा लगता है, रोआ रोआ खड़ा हो जाता है। हाँ ज्ञान तो बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा तो लगता है, निश्चय भी पूरा है, लेकिन फिर ओ उसको चारों तरफ बांटना भी है। बांटना रावण की तरह बांटना अच्छा है? रावण भी बहुत ज्ञानी था, था ना? तो रावण का ज्ञान अच्छा या राम का ज्ञान ज्यादा अच्छा? सेवा भी हो और धारणा भी हो, सेवा तो खूब करते हैं, ज्ञान खूब धारण करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, समझते हैं, समझाते हैं, लेकिन धारणा में नहीं है। तो किसका ज्ञान हो गया? है रावण का ज्ञान हो गया। बाबा जो गिरने के बाद पश्चाताप करते हैं, हाँ वो पश्चाताप करते हैं गिरने के बाद, हाँ फिर वो रावण की लिस्ट में थोड़ी ना आएंगे। पश्चाताप करना अपने आप अपने को दंड देना है या धर्मराज का दंड खाना है? तो अच्छी बात है या खराब बात है? अच्छा है। विजय माला का आह्वान बाप की याद में रहते हैं। और क्या बाप चला जाएगा तब विजय माला का आह्वान करेंगे? जब हमारे सब बाल संस्कार चेंज हो जाए तो इसका मतलब नहीं विजय माला आ गई है, आ रही है। हाँ जी, ओम शांति।